हाय एवरीवन, वेलकम टू द आदिल्स क्रिएटिविटी चैनल। आई नोज और लिप्स को सीखने के बाद आज हम सीखेंगे कि एयर की स्केचिंग किस तरह से की जाती है, एक एयर को हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, उसको स्केच हम किस तरह से कर सकते हैं। एक बहुत ही ऐसी शानदार ट्रिक आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, जिसको आप सीखने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर किसी का भी एयर बना सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखिएगा, आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी का भी हम अगर एयर बनाना चाहें तो उसको हम किस तरह से स्केच कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं आपके साथ वीडियो। आज हम सीखते हैं कि एयर किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एयर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज, हम 4 डॉट्स लगा देंगे इस तरह से, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस वाली डॉट को इसके साथ ऐसे मिलाएंगे कर्व लाइन में, और इसको गोलाई में लेके आएंगे और इन दोनों डॉट्स के बीच में ऐसे यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, जिसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाली पॉइंट से एक और जैसे हम चांद बनाते हैं ऐसे उसी शेप में यहाँ से लेके आएंगे इस तरह। ठीक है, ये लाइन थोड़ी नीचे होगी और ये लाइन थोड़ी ऊपर होगी। उसके बाद हमारे पास ये जो डॉट आ जाती है, इस डॉट पे हम क्या करेंगे कि इस डॉट पे हम एस बनाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी लाइन को लेके हम आके इस लाइन से मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक और लाइन ले जाएंगे पीछे से बिल्कुल, और ये वाली हमारी जो ये पॉइंट है इससे आके मिला के फिर इसी लाइन को हम लेके आएंगे और यहाँ से हम सेम ये वाली शेप देंगे। ठीक है, ऐसे। ये हमारे पास बहुत इजी ट्रिक है किसी भी एयर को बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम इस वाली जो लाइन है, ये वाली पॉइंट, इसको ऐसे करके यहाँ तक भी ला सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम अंदर की शेप जिसका स्केच बना रहे हैं उसमें कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह का एयर आ गया कि हम एक तरह जिसका अगर हम मिसाल के तौर पे साइड पोस्ट स्केच बना रहे हैं तो साइड पोस्ट स्केच में होगा ये कि मोस्टली साइड पोस्ट में ही फुल एयर आता है। ठीक है, बाकी अगर हम स्ट्रेट स्केच बनाने तो उसमें बहुत छोटा सा आता है, वो मैं आपको भी सिखाता हूँ। अगर हम किसी का स्ट्रेट स्केच बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमारा एयर बहुत छोटा आ रहा है तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे कि देखें अगर एयर की साइज़ बड़ी है तो हम जो इसमें इनमें बीच में डिफरेंस होता है ना पॉइंट्स के बीच में, वो भी बड़ा रखेंगे। अगर नहीं है डिफरेंस इतना, अगर छोटा है तो फिर हम पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस भी इतना रखेंगे। ये देखें, बल्कि ये भी ज़्यादा है कुछ, इतना रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट्स को मिला के आएंगे और यहाँ पर आके इसको इधर रखेंगे और दूसरी वाली लाइन को ये इधर आके मिलाएंगे और तीसरी वाली जो पॉइंट होगी इस तरह कुछ। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर रिटेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह गया। अगर किसी का और ज्यादा स्ट्रेट है और बिल्कुल भी जो है वो छोटा नजर आ रहा है तो उसको हम बिल्कुल इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, तो हो सकता है कि किसी के कान में जो है वो किसी का एयर में जो है वो लाइन शो नहीं हो रही हो, 3 लाइन यहाँ पे लगी हुई है, तो हो सकता है किसी की एक ही लाइन में ख़त्म हो, तो फिर उसको हम नॉर्मली मैन्युअली भी बना सकते हैं इस तरह। देखिए, ठीक है, ये हमारे पास कुछ तरह के एयर्स आ गए। अब मैं एक एयर बनाऊंगा आप लोगों के सामने, एक इसके अंदर मैं पूरी शेडिंग और डिटेलिंग दूंगा, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास जो वो एयर बन चुका है एक, आई होप कि आपने कंप्लीट इसको देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस भी होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।